ये सब हो जाएगा और 8 बजे के आसपास 5 मिनट प्लस माइनस करो, मुझे लगता है कि वो इंडिया वापस धरती पर अपना पैर रखेंगे। ये हमारा वायुवीर वाघा अटारी बॉर्डर नहीं पहुंचा, इसके पीछे की वजह वो भी हमने आपको बताई, इसके पीछे पाकिस्तान की बदनीयति है। पाकिस्तान की तरफ से वक्त तो दे दिया गया था कि शाम में शायद 4 बजे के आसपास वो हमारा वायुवीर हमें सौंप देगा, क्योंकि हमने देखा किस तरीके से वायुसेना के बड़े अधिकारियों की टीम जो रिसीव करने अपने वायुवीर को खासतौर से दिल्ली से पहुंची अमृतसर, अमृतसर से अटारी बॉर्डर, और उस टीम के साथ वायुवीर के माता पिता भी, लेकिन वो भी इंतजार कर रहे हैं 3:15 बजे से वाघा अटारी बॉर्डर पर, और अब 7:45 बज चुका है। तो इसके पीछे पाकिस्तान की ये नापाक मंशा कि किसी तरीके से और डिले किया जाए, किसी तरीके से अंधेरा होने दिया जाए, किसी तरीके से अंधेरे के अंदर लाया जाए वायुवीर को, क्योंकि पाकिस्तान शायद डरा हुआ भी अंदर से, बौखलाया हुआ भी, उसे लग रहा है कहीं ऐसा ना हो अगर हम दिन की रोशनी में लेकर जाएंगे तो। ये ऐसा पवन पुत्र जो पराक्रम दिखा चुका हमारे देश में आकर, कहीं हमारे देश के कुछ और राज इधर उधर से ना देख ले, कहीं और कुछ अपने दिमाग में फीड करके ना ले जाए और फिर हमारे देश को और नुकसान पहुंचाए। तो किस तरीके से पाकिस्तान की ये बदनीयति है, किस तरीके से वो पाकिस्तान जिसके प्रधानमंत्री कल ही ये कह रहे थे कि साहब हम तो पीस जेस्चर का भी दिल में दुआ कर रहे हैं ना कि सुरक्षित सकुशल अपने देश लौट आए, इसी रास्ते से इसी तस्वीर में वो आपको दिखेगा। हम सीधे लिए चलते हैं आपको जगविंदर पटियाल की खबर, कोई सुबुकाहट कोई जानकारी मिल रही है, हमारा वायुवीर वो कब तक वाघा अटारी बॉर्डर पर पहुंचेगा? देखिए पाकिस्तान मीडिया के पास भी इसकी पूरी जानकारी नहीं है और जो हमारे भारतीय दूतावास के अधिकारी वहां मौजूद हैं, हो सकता है उनको ये खबर हो, लेकिन जो हमें उधर से हैंडओवर किया जाएगा, जो हमारे भारतीय दूतावास के अधिकारी वहां मौजूद हैं उनके साथ जो तमाम कागजी कार्रवाई अंतिम रूप में आएगी तो वो उनके सामने ही आएगी। भारतीय दूतावास के रिपोर्टर्स वहां पर मौजूद हैं, अलग अलग कैमरा यूनिट्स हमारे पास, देश को इंतजार अपने वीर योद्धा का है। जो भी मैंने मीडिया में उसके क्लिप्स देखे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो अपने पैर पे खड़े हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो बातचीत अच्छे से कर पा रहे हैं। तो ये तो भगवान का शुक्रिया मैं करना चाहता हूँ कि उनकी मेडिकल हालत जितनी मुझे दिखाई दी वो बहुत अच्छी है। बिल्कुल, और ये पाकिस्तान एक और चीज लगी जो सबसे अच्छी थी कि उन्होंने विंग कमांडर अभिनंदन ने जरा सा भी अपनी ड्यूटी से दाएं बाएं नहीं हुए। जितनी बातें जिनेवा कन्वेंशन में है किसी भी पीओडब्ल्यू के लिए, उससे अधिक इंफॉर्मेशन उन्होंने कहीं किसी के साथ शेयर नहीं की। ये बहुत बड़ी बात है। यह बात है कि उसके अलावा भी वो बहुत दिनों बहुत देर तक कई घंटों तक पाकिस्तान की कस्टडी में रहे, जाहिर तौर पर पाकिस्तान ने उनसे बहुत कुछ पूछने की कोशिश की होगी। तो अब जब वो लौटेंगे हिंदुस्तान में वाइस मार्शल, तो उनकी डीब्रीफिंग होगी, उनको उनसे दोबारा पूछताछ। आयोजन की जान है उसके बाद डिलीट कर दिया गया। वेलकम बैक टू इंडिया अभिनंदन। आपको लगता है कि पाकिस्तान उस वीडियो के जरिए हिंदुस्तान को कि लोगों को उकसाने की कह लीजिए, तो ये पेंटिंग है ये मैंने अभिनंदन जी के लिए बनाई है, क्योंकि वो आज पाकिस्तान से इंडिया आने वाले हैं और मैं बहुत खुश हूँ और वो बहुत ही अच्छे हैं। और प्लीज अगर आपको ये ड्राइंग अच्छा लगा तो अगर आपको ये ड्राइंग अच्छा लगा, मैंने अभिनंद जी को बनाया, मैंने ट्राई किया, मैंने जितना बेस्ट बना सकती थी मैंने बताया,
तो प्लीज कमेंट में बताइएगा। तो अभी के लिए जय हिंद, जवान जय किसान।